बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे अदालती केसेस और उनसे जुड़े हुए मामलात की। आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ जो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है उनकी नाअहली के लिए, जिसमें ये दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है, इख्तियार किया गया है कि आसिफ अली जरदारी ने अपनी कुछ जायदादें छुपाई थी और उन जायदादों और असासों को छुपाने के वजह से उनको ताहयात नाअहल करार दे दिया जाए। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अतरुल्लाह साहब ने नोटिस जारी किया है आसिफ अली जरदारी को, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उनको पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर भी दलाइल देने होंगे। जस्टिस अतरुल्लाह साहब ये कहते हैं कि ये इस तरह के मामलात पहले पार्लियामेंट में जाने चाहिए और उसके बाद जो दीगर मुतल्लिका फोरम्स हैं उसके बाद अदालतों में आने चाहिए। अदरवाइज़ अदालतों में पहले इतने ज़्यादा मुकदमात हैं तो अदालतों के काम का हर्ज होता है। लेकिन मसला ये है कि ये इस तरह के केसेस पार्लियामेंट के फोरम पे हल इसलिए नहीं हो सकेंगे क्योंकि अगर ये केस पार्लियामेंट में किसी फोरम पर चलेगा तो फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जाएगा कि ये इमरान खान की हुकूमत है और इमरान खान जो है वो इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये इस तरह के केसेस आम केसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि इस तरह के केसेस में अवामी नुमाइंदों का मामला होता है, वो लोग होते हैं जो जिनके पास इख्तियार होता है, जिनके पास अवाम के टैक्स के पैसों के जो मामलात हैं वो उनके सपुर्द होते हैं, तो इसलिए इस तरह के केसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में कह चुकी है कि अगर किसी भी रुकने असम्बली के बारे में सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में भी आ जाए कि उसने कोई चीज़ छुपाई है और वो 62 आर्टिकल 62 पे पूरा नहीं उतरता, 62-63 पे, तो सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेके उसके खिलाफ कार्रवाई करके और उसे पार्लियामेंट से निकाल बाहर कर सकती है। तो इसलिए इस तरह के केसेस अदालतों को सुनने चाहिए। अगर अदालतें इस तरह के केसेस नहीं सुनेंगी तो फिर कोई और फोरम ऐसा नहीं है कि जहाँ पर इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ फैसले हो सकें। इसके अलावा दूसरी अहम खबर आसिफ अली जरदारी साहब से जुड़ी हुई यह है कि वो जो उनका फेक अकाउंट्स का मामला है, फेक अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, उसमें जो रेफरेंस है, पहला रेफरेंस जो नैब ने दायर किया है उसकी समाअत 19 अप्रैल को होने जा रही है। जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर होगा, समाअत होगी, ये केस आगे बढ़ेगा तो इसमें बड़ी ही सनसनीखेज चीज़ें सामने आएंगी। आसिफ अली जरदारी के करीबी लोगों के नाम आएंगे, उनके जो फ्रंट मैन हैं उनके नाम आएंगे, सिंध हुकूमत के का कच्चा चटक खुल के सामने आएगा, सिंध हुकूमत में किस तरह से करप्शन हुई, किस तरह से अवाम के टैक्स का पैसा जो है वो लूट कर और उसके ऊपर करप्शन और किकबैक्स लेकर और वो बाहर मुंतकिल किए गए, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी। और बारहा आपको बताता हूं कि डॉक्टर शायद मसूद साहब का वो जुमला कि सिंध की जमीनें आसिफ अली जरदारी का पनामा है, ये आपको नजर आएगा इस तरह के केसेस में। अभी आसिफ अली जरदारी का जो कहा जाता है कि उनको अदालतों ने 2015 में बरी कर दिया था, वो केसेस भी अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब देखते हैं कि वो कब समाअत के लिए मुकर्रर होते हैं। उन केसेस में भी आसिफ अली जरदारी को जो रिलीफ मिला था वो इसलिए मिला था कि उस वक्त आसिफ अली जरदारी ने उससे पहले आसिफ अली जरदारी ने अपने दौर हुकूमत में जो उनके खिलाफ दस्तावेजात थी वो सारी चोरी करवा दी थी, जिस वजह से दस्तावेजात की अदम दस्तियाबी की बुनियाद पे, टेक्निकल बुनियादों पे आसिफ अली जरदारी जो है उनको बरी किया गया था। फिर एक और आज की बड़ी डेवलपमेंट जो थी वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने जो नैब के मुलजमान के हवाले से कहा है कि नैब के मुलजमान को कड़ी ना लगाई जाए, जब तक किसी को मुजरिम डिक्लेयर ना कर दिया जाए तो नैब के मुलजिम किसी को भी जो है वो हथकड़ी ना लगाई जाए, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हों, शहबाज शरीफ हों, मुराद अली शाह हों, दीगर जो नैब के मुलजमान हैं या जिनका ट्रायल चल रहा है, डॉक्टर आसिम हो, शदील मेमन हो, किसी को भी हथकड़ी ना लगाई जाए। इस हवाले से हमारे दोस्त हैं फहीम अख्तर, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, उन्होंने यूट्यूब पर आज अपनी पहली वीडियो डाली है। फहीम अख्तर साहब उन रिपोर्टर्स में से हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, मैंने उनका यूट्यूब लिंक जो है वो शेयर भी किया है अपने कम्युनिटी पेज पर। और मैं आपको ये बता दूँ कि जिस तेज़ी के साथ अच्छे रिपोर्टर्स यूट्यूब पे आ रहे हैं तो ये जो चैनल मालकान हैं जिस तरह से इस्तेसाल कर रहे हैं मीडिया वर्कर्स का, तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये रिपोर्टर्स जिनकी खबरों की बुनियाद पे टीवी चैनल चलते हैं, जैसे जैसे ये रिपोर्टर यूट्यूब पे आते जाएंगे तो लोगों के लिए भी आसानी होगी और इन मीडिया मालकान को एक धचका लगेगा जो इस्तेसाल करते हैं अपने रिपोर्टर्स का, जो अपने रिपोर्टर्स को तनख्वाहें नहीं देते, जो अपने वर्कर्स का ख्याल नहीं रखते, उन वर्कर्स का जिनकी बुनियाद पर ये चैनल चलते हैं, और उन एंकर्स के लिए भी ये धचका होगा जो पैंट कोट पहनकर और स्टूडियो के अंदर बैठ जाते हैं, जो फील्ड के अंदर नहीं निकलते और स्टूडियो में बैठकर ही तब्जे और तबसरे और तजिए करते हैं, उनके लिए ये बड़ा धचका होगा जब अच्छे रिपोर्टर जो हैं वो यूट्यूब पे आके और अपनी रिपोर्ट्स और ख़बरें जो हैं वो लोगों के साथ शेयर करेंगे। लोगों के लिए भी फ़ायदा होगा कि आप यूट्यूब पे जाएं, एक रिपोर्टर को सुने, आपको पूरी बात जो है वो समझ आ जाएगी और फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। इसके बाद आज लाहौर हाई कोर्ट में सानिया मॉडल टाउन की जीआईटी को जो काम से रोका गया था उस मामले में समाअत के दौरान जो अहमद अवैस साहब ने एहतजाज किया था, अहमद
अहमद अवैस तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत के एडवोकेट जनरल हैं यानी वकील हैं, उन्होंने एहतजाज ये किया था कि जब सान मार्टर उनकी जे को काम से रोकने का हुक्म जारी किया जा रहा था तो उन्होंने एहतजाज ये किया था अहमद अवैस साहब ने कि मुझे सुने बगैर आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं। उन्होंने वहाँ पर जो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था उस पर उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया था कि क्यों ना आपके खिलाफ तोहनी अदालत की कार्रवाई की जाए, आप तोहनी अदालत कर रहे हैं। उस पर आज जो उन्होंने अपना मौकफ अपनाया उसको अदालत ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि तहरीरी तौर पर आप माफ़ी मांगें, गैर मशरूत माफ़ी मांगें। आज जजेस साहिबान ने यह भी कहा कि आपने यहाँ जो कुछ किया था वो इमरान खान और उस्मान बुज़दार की इमा पर किया था। तो अब रिपोर्ट यही हुआ है कि उन्होंने ये कहा है कि आपने उस्मान बुज़दार और इमरान खान की इमा पर ये किया था। आज भी उनका मौकफ मुस्तरद कर दिया गया है अहमद अवैस साहब का, और कल उनको कहा गया है कि आप तहरीरी तौर पे गैर मशरूत जो है वो माफ़ीनामा जमा कराएं। फिर इस वक्त एक और चीज़ बड़ी डिस्कस हो रही है, वो है मफरूर मुलजिम इश्तिहारी मुलजिम इसहाक डार जो नवाज शरीफ के समधी हैं, जो नवाज शरीफ के बेटे हसन और हुसैन की तरह मुल्क से भागे हुए हैं, जो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे, जिनको पाकिस्तान में इदारे ढूंढ रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे उनको वापस लाना चाहते हैं, पाकिस्तान के इदारों को वो मतलूब इश्तिहारी मुलजिम जिसने पाकिस्तान की मुईशत को तबाह बर्बाद किया, वो आज बैठ के टीवी पे जो है वो मशवरे दे रहे हैं कि मुईशत को कैसे बेहतर किया जा सकता है। उनको जिन चैनल्स पे लिया जा रहा है वो मिसाल वही है कि वो शेर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन के बीमार हुए जिसके सबब उसी अतार के लौंडे से दबा लेते हैं, जिसने पाकिस्तानी मुईशत को तबाह किया उसी को टीवी पर बिठा के और उससे मशवरे मांगे जा रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया है, हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसमें यह कहा गया है, इससे पहले भी फैसले मौजूद हैं कि जो इश्तिहारी मुलजिम होता है जो पाकिस्तान में नहीं आता, जो पाकिस्तान के इदारों पाकिस्तानी अदालतों में पेश नहीं होता, उसके तमाम हकूक ख़त्म हो जाते हैं। गो के उसमें फैसले में ये तो नहीं लिखा हुआ कि आप उसको टीवी पे नहीं ले सकते, लेकिन एक अखलाकी पहलू ज़रूर है कि जिसने पाकिस्तानी मुईशत को तबाह किया आज उसी को बिठा के और उससे इंटरव्यू किए जाते हैं और वो बैठ के और बता रहे हैं कि पाकिस्तानी मुईशत को कैसे जो है वो बेहतर किया जा सकता है। फिर पिछली वीडियो के कमेंट्स में कुछ दोस्त ये पूछ रहे थे, अच्छा मैं एक और बात आपको बता दूं, आप ये देखें कि एकदम इसहाक डार जो है वो बहुत सारे चैनलों पे आने लग गए हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने देखा था कि जब पी के एल आई वाला इशू हुआ था उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार साहब के फैसले के खिलाफ फैसला दिया, तो वो 10 दिन बाद अचानक 5 एंकर्स ने एक ही दिन जो है वो इस पे प्रोग्राम किए थे पी के एल आई पे, और लग रहा था कि पीछे से बैठ के किसी कोई करार है ये, तो मैं ये तो नहीं कहता कि ये कोई करार है, लेकिन एक सवाल ज़रूर है कि एकदम क्यों इसहाक डार जो हैं वो ऊपर नीचे प्रोग्रामों में आने लगे हैं, लेकिन जब पाकिस्तानी अदालतें उनको बुलाती हैं तो बताया जाता है कि वो बीमार हैं। तो इसके अलावा फिर वो पिछली वीडियो के कमेंट्स में कुछ दोस्तों ने अद्वियात की कीमत के हवाले से पूछा हुआ था, तो अद्वियात की कीमतों में इजाफे के हवाले से हुकूमत कह तो रही है कि वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी इस मामले को देख रही है। फिर जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं उस हवाले से भी यह है कि मोटरवे पे जो ज़्यादा महंगी चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं उस हवाले से मुराद सईद कह रहे हैं कि वह अब एक्शन लेंगे, ये अद्वियात का मामला हो या दीगर अशाय ज़रूरी ज़रूरत जो हैं रूटीन में जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इस हवाले से अगर हुकूमत प्राइस कंट्रोल कमेटी को एक्टिव कर दे तो इतनी ज़्यादा महंगाई है नहीं जितनी खुद साख्ता कर दी गई है, चाहे वो होलसेल डीलर्स हों दीगर दुकानदार हों, अगर जुर्माने आप करना शुरू कर देंगे हुकूमत करना शुरू कर देगी तो एक दुकानदार को जुर्माना होगा तो अगले 10 खुद खुद प्राइस जो है वही वसूल करेंगे जो होनी चाहिए, अदरवाइज़ ये मामलात हुकूमतें और जो दुकानदार इखलाकियात तो वैसे हमारे माशरे से ख़त्म होती जा रही हैं, लेकिन के कोई ख़ुद से ये करे देखे कि मैं जानबूझ के मुनाफा जो है वो ज़्यादा वसूल कर रहा हूँ, लेकिन हुकूमत का ये काम है, जिम्मेदारी है कि वो अपनी इंतजामियों को एक्टिव करे और इंतजामी इस मामले को देखे। 50 लाख घरों के हवाले से पूछा गया था, तो 50 लाख घरों के हवाले से हुकूमत जो है इस माह हमें यह बताया जा रहा है कि काम का आगाज़ करने जा रही है। फिर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजमत सईद शेख साहब की अदालत में रॉयल पाम स्कैंडल के हवाले से समाअत थी, अगली समाअत पे कहा गया है कि तमाम फ्रीकैन तैयार होकर आएँ, शेख रशीद ने कहा है कि वो खुद इस पर दलाइल देंगे अजमत सईद शेख साहब की अदालत में। यह 18 साल पहले का एक केस है, 3 जर्नैलों के इसमें नाम हैं, किस तरह से लाहौर में एक महंगी ज़मीन को जो है वो बहुत कम रेट पे लीज़ पर दिया गया था, सवालात हैं कि क्या ये लीज़ पे दी भी जा सकती थी या नहीं दी जा सकती थी, जिस रेट पे दिया गया था उसके मुताबिक नैब का ये केस है कि 25 अरब रुपये का कौमी खजाने का नुकसान हुआ है। इस केस में भी नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया लेकिन अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने नैब से जो है वो जवाब तलब किया है। फिर एक और मामला था इस्लामाबाद में और बनीगाला में जो तजावजात का मामला था, कुछ अहकाम दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट पे जिन पे अमल नहीं हुआ, उस पे आज जस्टिस गुलजार अहमद साहब इंतहाई बरहम नजर आए। गुलजार साहब ने यह कहा है कि किसी भी मुल्क का दारकूमत बहुत खूबसूरत होता है लेकिन इस दारकूमत को तबाह व बर्बाद किया जा रहा है, नदी नाले जाकर देख लें, तजावजात जाके देख लें, और सी डी ए जो है
वो उस तरह काम नहीं कर रहा। चेयरमैन सी डी ए की सरजनिश हुई, गुलजार साहब ने यह कहा है कि अगर चेयरमैन सी डी ए जो है वो काम नहीं कर सकते तो फिर जाके कोई और काम करें। मारगला के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मारगला को भी सुप्रीम कोर्ट ने बचाया हुआ है, वरना जिस तरह से तेजी से वहां पर दरख्तों का कत्लेआम हो रहा था, जो कुछ हो रहा था, अगर सुप्रीम कोर्ट टेकअप ना करती मामले को तो अब तक ये पहाड़ तबाह हो गए होते। साकिब निसार साहब के दौर में इस्लामाबाद से मुतलका 11 ऐसे इशूज़ थे जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन पर आंसू नोटिस लिए थे, टेकअप किया था। अब मौजूदा हुकूमत जो है उसको ये देखना होगा कि इस्लामाबाद की खूबसूरती को बचाने के लिए सी डी ओ को के ऊपर दबाव बढ़ाना होगा, हुकूमत को उनको उनसे जवाब लेना होगा कि वो इस्लामाबाद जो एक खूबसूरत शहर हुआ करता था उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए इकदाम करें। आज गुलजार साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद जो है वो तो कराची और लाहौर से भी जो है वो बदतर होता जा रहा है। तो ये सारे के सारे मामला थे जिनके हवाले से मैं समझता था कि आज आपको आगाह किया जाए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सबको हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।